व्हाट इज अप गाइस, आई एम निहार, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हो और अगर परेशान रहते हो कि यार मैं वीडियो एडिट करता हूँ और उस एडिटर का जो वाटर मार्क है हमारे वीडियोस पे रह जाता है, जो काफ़ी अनप्रोफेशनल सा लुक देता है, सो गाइस इन सब का सलूशन लेके मैं आ चुका हूँ। गाइस आज मैं बताऊंगा कैसे आप अपने काइन मास्टर ऐप का वाटर मार्क बहुत ही ईजी तरीके से हटा सकते हो। तो गाइस बेसिकली हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो फोन से एडिट करते हैं वो बेसिकली काइन मास्टर का ही यूज़ करते हैं। सो गाइस ये काफ़ी अच्छा और बेस्ट एडिटर ऐप है। सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कैसे इसको आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको हटा सकते हो। सो गाइस वीडियो स्किप मत करना और मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको पूरी तरीके डिटेल्स में पूरा बताऊंगा कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है। चलते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने प्ले स्टोर से जो मैंने डाउनलोड कर रखा है काइन मास्टर, गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप राइट में आपको यहाँ पे उसका वाटर मार्क देखने को मिलता है। और अगर इसको हटाने के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ पे पैसे लगते हैं। मंथली 249 है और उसका जो ईयरली का जो है गाइज वो 1299 का है गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है गाइज। सो गाइज सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस ऐप जो आपने जो इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से इसको पहले हटा देना है। गाइज सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे लिखना है काइन मास्टर मॉड digitbin.com। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको गाइज जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ये पेज खुल के आएगा। तो गाइज सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस खुल के आएगा digitbin का। तो गाइज आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो गाइज देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे लिख के आ गया है गो टू डाउनलोड पेज। तो गाइज आपको सिंपल बस इस पर क्लिक कर देना है गाइज आपको। सो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से पेज रिफ्रेश होगा और पेज फिर खुल के आएगा। गाइज आप देख सकते हो फिर से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग ऑन ऑल एंड्रॉयड ओएस, मतलब आपको ऑल जितने भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हैं उन सारों पे इसके जो मॉडर्न वर्जन ये तीनों जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे चलेंगे। तो गाइज इन तीनों में से आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है, तो मैं इनमें से ये एक कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा गाइज और आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है ओके करने का। सो गाइज जैसे इस पर ओके करते हैं अब मैं दिखाऊँ आपको कि आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है गाइस। अब मैं डाउनलोड करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे अब इस पर इसका वाटर मार्क नहीं आएगा। मैंने काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लिया है, मुझे सिंपल बस इसको इंस्टॉल करना है और गाइस ये इंस्टॉल होने में कुछ 5 से 10 सेकेंड लेगा और ये फिर पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस हमारा काइन मास्टर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ परमिशन वगैरह पूछे, परमिशंस को अलाउ कर देना। सो गाइज आप देख सकते हो काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिलीट भी कर देते हो और फिर से अगर आप इंस्टॉल करते हो काइन मास्टर को तो आपके जो सेव जो प्रोजेक्टेड जो फाइल जो आपने पहले से कर रखे थे गाइज वो आपको फिर से इसमें रीजन मिल जाएंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। सो गाइज अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट फाइल लेकर दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने ये मीडिया पर गया और मैंने ये एक फाइल ले लिया। सो गाइज अब आप देख सकते हो कि पहले जो हम लोग को टॉप राइट कॉर्नर में एक वाटर मार्क देखने को मिलता था काइन मास्टर का गाइज वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइज इसी तरीके से आपको इस मॉडेड एबीके फाइल को डाउनलोड करना है और आपके वीडियोस में वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, जाके उसको आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज मुझे बस ये बताना था। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड गाइज वीडियो बताना कि कैसा लगा आपको कमेंट करके। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन जाके दबा लेना। सो गाइज टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।